हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन ऑल अमेजिंग टिप्स। फ्रेंड्स, क्या आप भी स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव का ज़्यादा सामना करते हैं, या अपने बढ़ते हुए वजन से परेशान हैं, पाचन तंत्र आपका बिल्कुल ही कमजोर हो चुका है, जिसके वजह से आप पेट से जुड़ी कई सारी समस्याओं को हमेशा सामना करते रहते हैं। इसके अलावा अगर आपको नींद अच्छे से नहीं आती है, आपका वजन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, कब्ज की समस्या से परेशान रहते हैं, या आप हार्ट के पेशेंट हैं, या आपका बीपी जो है हमेशा बढ़ जाता है, थोड़ा भी आप टेंशन लेते हैं तो हाई बीपी की समस्या हो जाती है, या आपके शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां हैं, जैसे हड्डी आपकी कमजोर हो गई है, जिसकी वजह से अगर आपके जोड़ों में घुटनों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, या आप हमेशा वीकनेस फील करते हैं, हमेशा कमजोरी का एहसास आपको होता है, आपकी याददाश्त शक्ति बिल्कुल ही कमजोर पड़ चुकी है, क्योंकि जैसे जैसे ही उम्र बढ़ते जाता है याददाश्त शक्ति भी कम होने लगती है। खास करके जो स्टूडेंट हैं, अगर उनकी याददाश्त शक्ति कमजोर हो गई है, उन्हें अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कुछ याद नहीं हो पाता है, याद नहीं रहता है, उनके लिए भी ये जो वीडियो है काफ़ी यूजफुल होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अखरोट खाने के अद्भुत फायदे के बारे में। साथ ही मैं आपको बताने वाली हूँ कि अखरोट खाने से किन किन बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हैं, और किन किन बीमारियों में अखरोट का सेवन किस किस तरीके से आपको करना चाहिए, सही समय इसका क्या है अखरोट खाने का, तभी आपको फायदे मिलेंगे इसके। और इसके फायदे आप जानकर बिल्कुल ही हैरान रह जाएंगे कि अखरोट खाने से आपके शरीर की कितनी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, भयानक से भयानक बीमारियां भी बिल्कुल दूर हो जाती हैं। तो अखरोट खाने के सबसे पहले फायदे के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो अखरोट जो है आपके हृदय के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि अभी हार्ट अटैक की वजह से बहुत लोगों की मृत्यु होती जा रही है, चाहे वो कोई भी बॉलीवुड के एक्टर हो या सेलिब्रिटी हो, उनकी जो है ज्यादा मृत्यु जो सामने आ रही है वो हार्ट अटैक की वजह से ही हो रही है। तो इसलिए आपको अपने हृदय को मजबूत बनाना, हृदय को सही रखना, बहुत स्वस्थ रखना बहुत ही जरूरी है। तो अगर आप हृदय को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो अखरोट का सेवन कीजिए, क्योंकि सेहत के लिए जरूरी जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो भरपूर मात्रा में अखरोट में पाया जाता है, और सूखे मेवे के अपेक्षा जो अखरोट में है एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जिसके वजह से ये आपके हृदय को स्वस्थ रखने में काफी हेल्प करता है, दिल की बीमारियों और कैंसर के खतरे को भी कम करता है, दिल को मजबूत बनाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, अखरोट जो है हार्ट पेशेंट के लिए तीन तरीके से काम करता है, क्योंकि ये जो है बुरे कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, क्योंकि हार्ट अटैक जो आने के चांसेस होते हैं ज्यादा आपके कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब बढ़ने लगती है, खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब बढ़ जाती है तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो अखरोट का सेवन करने से आपका बुरा कोलेस्ट्रॉल जो है वो घटने लगता है, इसके साथ ही जलन और सूजन को भी कम करता है अखरोट, और खून की धमनियों में प्लक जमने की खतरा को कम करता है। प्लक एक प्रकार का रुकावट होता है जो कि आपके खून में ब्लॉकेज उत्पन्न करता है, ठहराव को उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से आपका रक्त संचार अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, और इस वजह से आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए अखरोट जो है बुरे कोलेस्ट्रॉल से धमनियों को होने वाले नुकसान से बचाता है। इसके अलावा अखरोट में पाए जाने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड में अल्फा लिनोलेनिक एसिड नामक एक जरूरी फैट होता है, जो कि आपके दिल की बीमारियों से बचाता है और आपके दिल को हमेशा स्वस्थ रखता है। तो दिल की बीमारियों के लिए आपको अखरोट का सेवन किस तरीके से करना है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। नेक्स्ट बेनिफिट है कि हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में अखरोट बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर आपको हाई बीपी की समस्या है, या ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर जो है टेंशन की वजह से बढ़ जाता है, अगर वो ज्यादा सोच लेते हैं, ज्यादा टेंशन ले लेते हैं, तो उनका बीपी जो है तुरंत हाई हो जाता है, उनके लिए भी अखरोट खाना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि अखरोट जो है हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। तो इसलिए अगर आप अखरोट का सेवन करते हैं डेली, तो नियमित रूप से अगर इसका सेवन करते हैं तो आपका बीपी जो है बिल्कुल ही कंट्रोल में रहेगा, आप टेंशन कितना भी लेंगे आपका बीपी जो है हाई नहीं होगा। इसके अलावा अखरोट जो है आपके दांत और हड्डियों को मजबूत बनाने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है, दांत और हड्डियों के लिए काफी लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम के साथ फास्फोरस भी होता है, जो कि आपके हड्डियों को मजबूत बनाता है, और फास्फोरस और कैल्शियम साथ लेने से दांत और हड्डी दोनों मजबूत बनते हैं, और इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर आपके जोड़ों में घुटनों में दर्द की समस्या है, हड्डियां कमजोर पड़ चुकी हैं, तो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, जिसकी वजह से आपके जोड़ में घुटनों में दर्द की जो समस्या है बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। और इसके अलावा अगर आपके दांत सड़ चुके हैं या दांतों में दर्द रहता है, तो आप अखरोट का सेवन कीजिए तो आपको काफी फायदा मिलेगा।
इसके अलावा फ्रेंड्स अखरोट में शरीर के लिए जरूरी फैटी एसिड और तेल होते हैं जिसमें एंटी एजिंग गुण पाए जाते हैं और नियमित रूप से अखरोट खाने से स्किन और शरीर पर बुढ़ापे के लक्षण जल्दी देखने में नहीं आते हैं क्योंकि एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होने की वजह से आपके स्किन को ग्लोइंग बनाए रखने में, हेल्दी बनाए रखने में, हमेशा जवान बनाए रखने में काफ़ी मदद करता है अगर आप अखरोट का सेवन करते हैं तो। इसके अलावा अखरोट जो है आपकी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, गर्भवती महिलाओं के लिए अखरोट काफ़ी फायदे करता है क्योंकि इसमें जो है अखरोट में पाए जाने वाला फोलिक एसिड प्रेग्नेंट औरत को जन्म दोष यानी कि बर्थ डिफेक्ट से बचाता है क्योंकि अखरोट में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है जो कि गर्भ में बढ़ने के लिए जरूरी होता है, इसलिए प्रेगनेंसी में अखरोट खाना चाहिए, गर्भवती महिलाओं के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है और ये आपके बच्चे की याददाश्त शक्ति को भी इम्प्रूव करेगा, बच्चा जो जन्म लेगा वो काफ़ी तरोताजा काफ़ी बुद्धिमान पैदा होगा अगर आप अखरोट का सेवन करते हैं तो। इसके अलावा अखरोट का सेवन करने से आपके बालों से जुड़ी जो भी समस्याएं होती है, अगर आपको हेयर फॉल की समस्या, बाल झड़ने की समस्या है तो दूर हो जाती है क्योंकि अखरोट का सेवन करने से आपके बाल लंबे, मजबूत और घने बनते हैं क्योंकि इसमें पाए जाने वाले बहुत से विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं और स्किन को डैंड्रफ मुक्त करते हैं। अगर आपके स्कैल्प पे डैंड्रफ की समस्या है तो उसको भी दूर करने में अखरोट जो है काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके अलावा अगर आपको डार्क सर्कल की समस्या है तो आँखों के नीचे कालापन की समस्या है तो अखरोट की गिरी का तेल अगर आप आँखों के नीचे मालिश करते हैं तो इससे आपको डार्क सर्कल की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। या आपके पेट में कीड़े हो गए हैं तो पेट के कीड़े को दूर करने के लिए भी अखरोट जो है काफ़ी फायदेमंद होता है। अगर आप अखरोट की छाल को पानी में उबालकर और उसका काढ़ा बनाकर पीते हैं तो इससे आपके पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं, पेट के कीड़े की समस्या से आपको छुटकारा मिल जाता है। और इसके अलावा अगर आपको पीरियड से जुड़ी कोई समस्या है, पीरियड में परेशानी रहती है तो अखरोट के जो छिलके होते हैं उसका चूर्ण तैयार कर लीजिए और उसको शहद में मिलाकर 2 चम्मच अगर आप लेते हैं, दिन में 2 बार आप इसका प्रयोग करते हैं तो इससे आपको पीरियड से जुड़ी जो समस्या है वो दूर हो जाएंगी और साथ ही साथ आपको कब्ज से भी राहत मिलेगी, कब्ज की समस्या से छुटकारा मिलेगा अगर आप अखरोट का सेवन करते हैं तो। वैसे अखरोट की गिरी का भी सेवन करेंगे तो वो तभी भी जो है आपका पाचन तंत्र जो है बिल्कुल मजबूत बनता है और कब्ज की समस्या से छुटकारा मिलता है क्योंकि फ्रेंड्स अखरोट में किसी भी सूखे मेवा से ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। ये हमारे सेहत को स्वस्थ बनाए रखने में ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है काफी हेल्प करता है और इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा पाने की वजह से आपकी आंखों के लिए भी काफी फायदेमंद होता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। इसलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है, लाभकारी होता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड दोनों कुछ जो है अखरोट में काफी मात्रा में पाए जाते हैं। तो मांसाहारी लोगों के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड मछली से मिल जाता है लेकिन अगर शाकाहारी लोग इसे खाना शुरू कर देते हैं अखरोट को तो उन्हें दोनों मिलेगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड। तो इसलिए अखरोट खाना आप बिल्कुल ही शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने आपको अखरोट खाने के बहुत सारे बेनिफिट्स के बारे में बताया है कि अखरोट खाने के क्या क्या फायदे होते हैं लेकिन अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अखरोट खाने का सही समय क्या होता है। तो फ्रेंड्स अखरोट खाने का सही समय सुबह खाली पेट होता है। अगर आप सुबह खाली पेट अखरोट का सेवन करते हैं तो उसके 2 गुने फायदे होते हैं लेकिन इसको किस तरीके से प्रयोग करना है, किस किस तरीके से आप किस बीमारी के लिए प्रयोग कर सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आपको अनिद्रा की समस्या है, रात को अच्छे से नहीं सो पाते हैं, नींद अच्छे से नहीं आती है या ज़्यादा तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, कमजोरी है आपको, ज़्यादा वीकनेस फील होता है, हमेशा काम करने के बाद थक जाते हैं तो आप अखरोट का सेवन रात को सोने से पहले कीजिए। इसको किस तरीके से सेवन करना है तो आपको एक अखरोट के गिरी को ले लेना है और इसे चबा चबा कर खाने के बाद आपको जितना भी दूध पीते हैं 1 गिलास दूध आपको पीकर सो जाना है। या आप अखरोट को हल्का सा रोस्ट कर सकते हैं, रोस्ट करके पाउडर बनाकर और 1 चम्मच अखरोट के पाउडर को दूध में डालकर और 1 गिलास दूध को, अखरोट वाले दूध को आपको पीकर सो जाना है तो इससे आपका थकान की समस्या दूर होगी, कमजोरी दूर होगी, अनिद्रा की समस्या दूर होगी और आपको स्ट्रेस और तनाव से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सुबह में खाली पेट भिगोए हुए अखरोट का सेवन करते हैं तो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ कि भीगे हुए बादाम खाना जितना सेहत के लिए फायदेमंद है उससे कई गुना ज़्यादा भीगे हुए अखरोट का सेवन आपके सेहत के लिए फायदेमंद होता है। तो आप इसको रात को 2 अखरोट आप उसके गिरी को रात को पानी में भिगो कर रख दीजिए, सुबह खाली पेट इस भिगोए हुए अखरोट का सेवन कीजिए, इससे आपके
तरीके जितने सारी प्रॉब्लम है, पाचन शक्ति से जुड़ी गैस एसिडिटी की समस्या हो, जोड़ों की दर्द की समस्या हो, या शरीर में जितनी भी समस्या है, डायबिटीज की, शुगर को कंट्रोल करता है, या तो इस सभी समस्याओं को आपको दूर कर देगा अगर आप सुबह में खाली पेट अखरोट का सेवन करते हैं। तो सेवन करने का तरीका यही है कि एक आप रात को सोने से पहले दूध के साथ कीजिए। तो किस लिए आपको दूध के साथ करना है वो मैं आपको बता दी हूँ। और सुबह खाली पेट अगर आप सेवन करते हैं भिगोए हुए अखरोट का, तो ये तो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आप इस तरीके से अखरोट का सेवन करेंगे तो आपका हार्ट जो है, आपका हृदय बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, डायबिटीज की समस्या दूर होगी, क्योंकि डायबिटीज को भी कंट्रोल करने में, शुगर को कंट्रोल करने में भी काफ़ी मदद करता है अखरोट अगर आप खाते हैं तो, आपकी याददाश्त शक्ति को बढ़ाएगा। तो आप इस तरीके से अखरोट का सेवन कीजिए, आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। आई होप कि आपको हमारी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही और भी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।